Gujarat, the fastest developing state of India, is the fourth biggest producer of milk. Amul is the biggest supplier of milk, but there are many other individuals who supply milk in local areas. Communities like Bharwad and Rabari are mainly engaged in milk business. Bharwad are also known as Gujars in other states and are originated from Dhangadra, a princely state in Saurashtra region. आपका नाम क्या है? रमतु है मेरा नाम। और कितने साल के आप? मैं मेरा 28 साल है। यहाँ पे कितने साल से रह रहे हो? यहाँ से मैं 15 साल से रह रहा हूँ। कहाँ के रहने वाले हो? किस गांव के? से धांगड़े के पास, सोरडी के गांव से। और ये काम आपने कब से चालू करा है? ये काम मैंने काम चालू किया 2006 से। 2006 से। तो कौन सी समाज से है? हम भरवाड़ है। तो यहाँ पे और कोई भरवाड़ लोग भी हैं या फिर ऐसे है? ये दो तीन चार लोग भरवाड़ी ही अगल बगल में रहते हैं। भरवाड़ी है। अब एक घर में कितने रहते हैं? हमारे घर में है तो मैं है, मेरे वाइफ है, एक लड़का है, दो लड़कियाँ हैं। चार पांच जने? पांच जने और पापा मम्मी सब साथ में है। तीन भाई हम, तीन बहन है। The Bharwars were at some time based around Mathura and migrated to Mewar before later spreading out in Gujarat. They arrived in the northern towns of Gujarat and later spread out to Saurashtra and other areas. The Bharwars considered themselves to be Vaishya and are very proud of their social status. They are generally treated within regional society as being somewhat below the Brahmin, Baniya, Lohana, Patel, Charan and Darji communities. Bharwar men traditionally wear an earring and a white turban as a symbol of seniority. People of Bharwar community are not very literate. Their living mainly depends on the occupations like agriculture, cattle rearing and artisanship. They engaged in this occupation from generations. They use jafar and gir cows for cattle rearing as these cows are known to produce a very rich quality of milk which can be also be used for medicinal purposes. यहीं से चालू कर कितनी गायें थी शुरुआत में आपके पास? शुरुआत में मेरे पास ये दो तीन चार ही गाय रखते हैं क्योंकि हमारे पास चारा कम मिल रहा है तो उनके वजह से ये थोड़ा कम रख लिए, साफ सुथरा गाय है तो उसकी वजह से। अच्छा, और गाय एक लगभग कितने में खरीदी हुई होगी? ये गाय तो आपने पड़ती है 60-70 हज़ार की गिर गाय। अच्छा, गिर 1 लाख के आसपास पड़ जाती है। वहाँ पे कैसा था? वहाँ पे दीदी अच्छा था, उसका दूध का भाव नहीं मिल रहा था गाँव में, क्या फैट की वजह से जाता है तो वहाँ डेयरी वाले तो क्या है फैट की वजह से लेते थे तो हमको उसको नहीं पहुँचाते। उसके बाद में थोड़ा सिटी में आ गए, काम धीरे धीरे अभी बढ़ रहा है तो सामने सेटिंग भी होना चाहिए, 4-5 होना चाहिए। और मतलब गाँव से तो बेटर है अहमदाबाद? हाँ बेटर है रहने में, और रहने में ठीक है और अच्छा है। But things have changed in today's world. There are more challenges in urban areas than the villages. Here, other business giants of the same field are trying to curb these small individuals. मुनाफा गए कहीं चीज निकल जाती है? हाँ निकल जाती है, आराम से निकल जाती है, आराम से निकल जाती है, आराम से। दूध तो ऐसे बिक जाते हैं, उनका खर्चा निकल के 300-400 रुपए मिल जाता है, बाकी तो जितना शौक करो इतना कम है। बाकी खर्चा तो जितना शौक कम ही है, जितना शौक करो तो उसमें के गाड़ी गाड़ी लेके घूम पाए ऐसा नहीं है, लेकिन चलती है आराम से, चलो तो ठीक है। और आता है कितना खर्चा हो जाता है एक दिन का एक गाय पे? ऐसा तो कोई मार्केट फिर भी मतलब एक दिन में कितना टोटल? परफेक्ट में तो नहीं किया है लेकिन उसका 300-400 के आसपास, 400 एक दिन का एक गाय, 400 के आसपास पड़ जाता है। उसमें ये मिनिमम ये 40 किलो खाती है, 40 किलो फोर खाती है, हाँ वो घास खाती है और 10 किलो फोर खाती है कपास। ये दूध उसमें ये आता है 7-8 लीटर आता है, और उसको उसको पाल पोषण करे तो उसके वजह से। अब जितना आप दूध निकालते हो सारा बिक जाता है कि उससे थोड़ा? नहीं बिक जाता उसमें, अभी क्या ग्राहक तो सब वेटिंग में, दूसरे सब लोग मतलब कस्टमर बंदे हैं, रिकवरी बहुत आती है उसमें, क्या है दूध एकदम दवा के लिए बहुत उपयोग करते हैं। प्राइस कितना कितने रुपए? प्राइस ये मिनिमम उनके 70-80 रुपए से नीचे उनका दूध नहीं पोसा है। अच्छा, इन गायों का? उन गायों का जो ये रखना है तो गिर गाय रखना है, देसी गाय रखना है, बाकी तो जो 30-35 रुपए जो एचएफ है, जर्सी है, उसका सब पोसा है गाय। ये तो आप 1 लीटर के हिसाब से रेट बोल रहे हैं? हाँ, 1 लीटर दूध तो अभी ये कम जा रहा है, बारिश की वजह से कम हो गया, नहीं तो इतनी गायों में सुबह शाम को मिल के होता है 50-60 लीटर। तो सप्लाई आपका कहाँ कहाँ करते हो?
सैटेलाइट वो सिर्फ नॉर्मल जो लोग होते हैं वो ही लेके जाते हैं कि जैसे अमूल को भी दूध की जरूरत पड़ती रहती है, अब इतने गाय नहीं है सप्लाई करते हैं आप? नहीं नहीं किसी का नहीं, हम तो हो तो दे नहीं हो तो बंद कर। अच्छा मतलब कभी भी आपने ऐसे दिया है डेयरी वालों को? कोई किसी को देने का नहीं डेयरी वाले को, डायरेक्ट कस्टमर हमारे पास बहुत है और हम लोग कस्टमर ही देते हैं और कस्टमर हमको डायरेक्ट ले जाते हैं, बाकी हम किसी को लेते नहीं, वो डेयरी बिली का काम हम करते नहीं। तो बाकी कोई लोग करते हैं यहाँ से लेके डेयरी वाले, यहाँ से लेके दूध ग्राहक में पहुँचाते हैं, काम हमारा नहीं, हम तो ज़्यादा वक्त लोग घर पे लेने आ जाते हैं। The government has set up various commissions for time to time identification of weaker sections of the society and other necessary information could be collected regarding education and other political status. On the basis of such data, the government can provide avenues to downtrodden communities. But unfortunately, these commissions are not efficient in their functioning. तो आप मतलब जैसे गवर्नमेंट है वो आपको परेशान करती है ये बंद करने के लिए बोलती है? गवर्नमेंट परेशान करती है, रोड में खुले जा तो परेशान करती है ना, ये बाकी कुछ ये रखो तो क्या, गवर्नमेंट कुछ परेशान नहीं करती है। The conditions of these individuals are not as bad as we think. They are able to meet the expenses and survive in the competitive market. We also see that the Bharwad family that we talked to was familiar with concepts of Google and internet. They are well aware about Ayurvedic benefits of the milk they sell and are able to make a good living with a unique selling point. They do not receive any privileges from the government except the privileges of being considered as a backward class. Mm-hmm.